हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ प्रांशि राठौर। बॉलीवुड के किंग खान इन दिनों काफ़ी खुश हैं क्योंकि हाल ही में उनकी डब की हुई फिल्म द लॉयन किंग रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ दी है जिसको दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज हम शाहरुख के घर से जुड़ी एक ताज़ा खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है और जब उन्होंने ये घर खरीदा था तब इस घर की कीमत लगभग 13 करोड़ थी, लेकिन आज इस घर की कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस घर को डिजाइन शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने किया है। गौरतलब है कि गौरी खान एक इंटीरियर डिजाइनर हैं। बता दें, इस घर का पहले नाम विला वियना था। इस बंगले को पहले शूटिंग के लिए भाड़े पर दिया जाता था और इस घर में सनी देओल की फिल्म नरसिम्हा का क्लाइमैक्स शूट किया गया था। वहीं इस बंगले में गोविंदा की फिल्म शोला और शबनम की भी शूटिंग की गई है। शाहरुख खान ने जब इस बंगले को खरीदा था तब इसकी कीमत 13 करोड़ थी, लेकिन अब इस घर की कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बंगले का ढांचा 20वीं सदी के ग्रेड 3 हेरिटेज का है और ये सभी ओर से खुलता है। इस घर में कुल 5 बेडरूम हैं। इसके अलावा मल्टीपल लिविंग एरिया, एक जिमनेजियम और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने अपने अनुभव से इस घर को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ से प्रांशी की रिपोर्ट।